1098 करके एक नंबर है, जहां सबसे पहले सूचना को आप दर्ज करा दीजिए कि ये बच्चा है जिसके कि माँ बाप दोनों बीमार है या एक बीमार है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, तो तुरंत चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आएगा वहां पर, नहीं तो पुलिस वहां आकर के बच्चे की सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। रंजना जी, अगर किसी के पास ऐसा कोई एक व्हाट्सएप का मैसेज आया कि हमारे पास एक बच्चा है जिनके माँ बाप नहीं है, आप गोद ले लीजिए, अगर गोद लेना है तो ये फोन नंबर है, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिये, ये बिल्कुल अगर ऐसी खबर आती है कि आप गोद ले लीजिए तो बिल्कुल आगे मत आइए, क्योंकि आप किसी भी बच्चे को बिना कानूनी तौर पर लिए हुए गोद नहीं ले सकते हैं। अगर आपने अडॉप्ट किया तो ये मान के चलिए 3 साल की सजा है इसमें। रंजना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे सोशल मीडिया पे और न्यूज पे काफी इंफॉर्मेशन आई है कि जैसे COVID-19 के जो केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इंफॉर्मेशन है कि काफी घरों में बच्चे हैं जिनके दोनों माँ बाप अभी अस्पताल में है, जिनके दोनों माँ बाप को कोविड हुए अस्पताल में, और बच्चा अकेला है अभी घर पे, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे भी केसेस हैं जहां दोनों माँ बाप कोविड की वजह से उनकी डेथ हुई है, गुजर चुके हैं, और अभी बच्चों को देखभाल करने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। ऐसे में जो पड़ोसी है, जो नेबर्स है, उनका पूछना है कि क्या हम बच्चे को अपने पास रख सकते हैं, क्या कोई ऐसा गवर्नमेंट एजेंसी है जो आके बच्चों को लेगा। और ये भी आया था सोशल मीडिया पे कि किसी को क्या ये बच्चा गोद लेना है, विच ऑब्वियसली इज नॉट द प्रोसेस। हमारे देश में इस चीज के लिए प्रोसेस होती है। पहली बात तो आप दिल्ली में बहुत काम करते हैं, आप उत्तर प्रदेश में बहुत काम करते हैं, क्या ऐसे केसेस है जो बच्चे अभी जिनको जिनकी देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, हु हैव बीन कंप्लीटली अबैंडन्ड, हुज पेरेंट्स आर नो लॉन्गर अराउंड टू लुक आफ्टर देम, आर दीस जेन्युइन केसेस, हैव यू कम अक्रॉस देम? निश्चित तौर पर इस तरह के केसेस हम लोग के सामने कुछ लोगों ने बताया है, लेकिन ये सब हियरसे है। एक जरूरी इस समय करना जो नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स है उसके लिए सबसे जरूरी है कि इस तरह के केसेस का डेटा कोलेक्ट कर लें, क्योंकि ये सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए हम उन लोगों तक पहुंचे या लोग हम तक इंफॉर्मेशन भेजें, ये बिल्कुल उचित नहीं होगा। एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो कि सेंटर फॉर जो हमारी नेशनल है और स्टेट पर भी जो चाइल्ड राइट्स कमीशन है, स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट और नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स को तुरंत इस काम को करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत डेस्परेट मैसेजेस भेज रहे हैं कि इस तरह के बच्चों का हम क्या करें, या ऐसे बच्चों का नॉर्मली भारत में ये परंपरा है, और उसके बारे में पहले मैं कहूंगी, फिर उसके बाद कानूनी पहलू के बारे में बताना चाहूंगी कि परंपरा ये है कि परिवार में अगर कोई चाची है, कोई चाचा चाची है, या कोई मौसी बुआ है, तो उन लोगों के जिम्मे ऐसे बच्चों को सौंप दिया जाता है, और फिर बाद में वो जो प्रक्रिया है वो जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप ऐसे बच्चों को सौंप दें और किसी ने ऐसे बच्चों के साथ बाद में खुदा न करें कि उनके पिता माता ना रहे, और ऐसे में फिर आप बाद में उसके साथ उस बच्चे के साथ कोई दुर्व्यवहार हो या उसकी पढ़ाई पर ध्यान ना दिया जाए, उसका भविष्य बिगाड़ दिया जाए, इससे जरूरी है कि उसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो जो जो हमारी संस्थाएं हैं उसमें चाइल्ड राइट्स कमीशन के अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, उनको सबसे पहले ये सूचना होनी चाहिए। 1098 करके एक नंबर है जहां सबसे पहले सूचना को आप दर्ज करा दीजिए कि ये बच्चा है जिसके कि माँ बाप दोनों बीमार है या एक बीमार है, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, बच्चे की उम्र 18 साल से कम उम्र के सभी लोगों को बच्चा माना जाता है हिंदुस्तान की जो कानून के तहत, तो ये सूचना दे दीजिए वहां जाकर के, और ना हो तो पुलिस में एक रिपोर्ट लिखा दीजिए, ताकि उस बच्चे के लिए जो लोकल कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है और चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स हैं, उनके जरिए फिर उन बच्चों के बारे में जानकारी मिल जाए और फिर आगे क्या करना है वो फैसला किया जा सके। रंजना जी, हमारे देश में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर होती है 1098 1098। तो अगर हमारे पड़ोस में, हमारे बिल्डिंग में, हमारे नेबरहुड में ऐसा कोई बच्चा है जिनके दोनों माँ बाप अभी अस्पताल में है, क्या जिनके दोनों माँ बाप नहीं है अभी उनकी देखभाल करने के लिए, क्या पड़ोसों को वो बच्चा अपने पास रख के फिर ये चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन करनी चाहिए? ऐसा भी एक न्यूज स्टोरी था कि आसपास के लोगों को डर था कि शायद बच्चे को भी कोविड हो सकता है, तो उन्होंने अंदर, वो घर के अंदर गए नहीं। तो
आपके आपके ख्याल से व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू, व्हाट इज द रेकमेंडेड थिंग टू डू इन सच केसेस? सबसे पहले तो बच्चे की अपनी जरूरत होगी, अगर माँ बाप एक दिन दो दिन चार दिन से बाहर है, अस्पताल में है, तो प्लीज बच्चे को न्यूट्रिशियस खाना खिलाइए, उसको उसकी केयर करिए, उसके उसके लिए जो भी 1098 आपने कहा 1098 ये नंबर है, एक बार फिर से 1098 1098, इस पे फोन करिए। अगर आप इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं सुन रही हैं तो प्लीज ये नंबर नोट कर लीजिए कि आपको इस नंबर पे फोन करना है तत्काल। वहां पर ये ऐसी लाइन है जो 24 घंटे चलती है, हम लोग खुद इसका अनुभव कर चुके हैं, तो ये कोई फेक लाइन नहीं है, बिल्कुल सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई लाइन है। और फिर उसके बाद उस लाइन पे आपको जरूर ये बता दीजिए कि भाई बच्चे के दोनों पेरेंट्स को कोविड था, हम लोग को ये बात से परेशानी हो रही है, कोई अंदर नहीं जा पा रहा है, तो तुरंत वहां से कोई ना कोई अधिकारी आएगा, जैसा मैंने बोला चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर आएगा वहां पर, नहीं तो पुलिस वहां आकर के बच्चे की सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और उसके खान पान और उसकी जो जरूरतें हैं उसकी तरफ देखेगी। देखिए अगर बच्चा बहुत छोटा है और आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया डर के मारे कि कोविड है, तो ये आप इंसानियत के खिलाफ काम कर रहे हैं, और जो कानूनी काम है उसको करिए, बता दीजिए इस नंबर पर, और उस नंबर पर बताने के बाद तत्काल वो सूचना फिर जो रेलिवेंट ऑफिसर्स हैं रेलिवेंट एजेंसीज है उनके पास चली जाएगी। और फिर आप दूसरी बात, बच्चा अगर इसी परिस्थिति में है तो फिर आप उसको बिल्कुल उसका नंबर एडवर्टाइज बिल्कुल मत करिए, मत कहिए लोगों से कि वो बच्चा अकेला है वहां पर और इस घर के अंदर है, क्योंकि तमाम इस तरह के खुराफाती लोग इस समय बहुत एक्टिव हैं जो बच्चे को उठा ले जा सकते हैं, ट्रैफिक कर सकते हैं, किसी को अनाप शनाप गोद दे सकते हैं, ये सब इलीगल है। अगर किसी ने इस तरह की हरकत की कि बच्चे की फोटो लगा दी, बच्चे का एड्रेस दे दिया, ये सब बिल्कुल गलत है और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिर्फ 1098 पर खबर करिए, पुलिस को खबर करिए अगर 1098 से रिस्पांस नहीं आता है, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को खबर करिए और स्टेट एजेंसीज जो हैं जो चाइल्ड राइट्स की हैं उनको खबर करिए, कोई पास में एनजीओ आप उसको भी खबर कर सकती हैं। मतलब मैं तो जानती हूँ कि महिलाओं के साथ जो और बच्चों के साथ काम करने वाले बहुत जेन्युइन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस आपके एरिया में जरूर होंगे, आप उनको खबर करिए। और रंजना जी, अगर किसी के पास ऐसा कोई एक व्हाट्सएप का मैसेज आया कि हमारे पास एक बच्चा है जिनके माँ बाप नहीं है, आप गोद ले लीजिए, अगर गोद लेना है तो ये फोन नंबर है, तो हमें क्या करनी चाहिए? देखिए ये बिल्कुल अगर ऐसी खबर आती है कि आप गोद ले लीजिए तो बिल्कुल आगे मत आइए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 में ये सुनिश्चित किया गया था, जिसका हम लोग अक्सर अपने कार्यक्रमों में इस्तेमाल कर रहे हैं, कि आप किसी भी बच्चे को बिना कानूनी तौर पर लिए हुए गोद नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कानूनी तौर पर कैसे? क्योंकि जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो सुनिश्चित करती है कि बच्चे के जो अपने माँ बाप थे वो नहीं रहे, या उन्होंने अबैंडन कर दिया है बच्चे को, या बच्चे का कोई मिल नहीं रहा है और अब वो बच्चे के का कोई मिलने वाला भी नहीं है, मतलब कि वो बच्चा एक तरह से अनाथ है या अकेला है या छोड़ दिया गया है या फेंक दिया गया है, ऐसे बच्चे को फिर वो सुनिश्चित होने के बाद फिर वो एक लीगल प्रोसेस के जरिए, कारा हम लोग की एक एजेंसी है देश के अंदर जिसके जरिए कि फिर उस बच्चे को अडॉप्शन में लिया जाता है। अगर आपने कहीं भी इस तरह की भावना में बह करके कि नहीं हमें बच्चा मिल जाएगा और हम बच्चे की देखरेख कर सकते हैं, हमारे पास बच्चा नहीं, अगर आपने अडॉप्ट किया तो ये मान के चलिए 3 साल की सजा है, इसमें 3 साल तक की सजा हो सकती है अगर आपने ये गलती कर दी, और ऑफ कोर्स 1 लाख जुर्माना भी है इसमें, लेकिन वो दूसरी बात भी, अगर किसी एजेंसी ने आपको इस तरह से बहकावे में लिया तो उस एजेंसी का लाइसेंस जब्त हो जाता है। तो ये बड़ा कड़ा कानून है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का जो कानून बना है और जो कारा के अपने नियम है उनके तहत ही बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए, बड़ा मुश्किल इस समय नहीं होगा, लेकिन प्लीज डोंट ओवर स्टेप ऑल दीज लीगल। आपके ओपिनियन में अगर हमारे पास ऐसे कोई व्हाट्सएप मैसेज आया तो हमें फॉरन पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई लोग इलीगल काम करने के लिए आपको मैसेज दे रहे हैं और एनकरेज कर रहे हैं तो जरूर और तमाम लोगों को कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ आप तक ही ये मैसेज आया है, तो ऐसे लोगों को निश्चित तौर पर कानून के दायरे में ले लेना चाहिए, पुलिस को आप इन्फॉर्म कर दीजिए, 1098 को आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि फलानी जगह से हमारे पास इस नंबर से मैसेज आया, नंबर रिकॉर्ड कर लीजिए। और प्लीज ऐसे लोग अक्सर बड़े स्मार्ट होते हैं, वो डिलीट कर देते हैं मैसेजेस को, तो आप तुरंत उसका फोटो ले लीजिएगा अपने फोन से, सबको आता है कैसे फोन से फोटो लेना चाहिए, वो ले करके और उसके बाद आप उस मैसेज को फोटो लगा करके व्हाट्सएप का जो मैसेज है वो आप पुलिस के पास रजिस्टर करा दीजिए। और अंजना जी, अगर किसी किसी लोगों को पता चला कि अपने पड़ोस में अपने नेबरहुड में एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हुआ है हो रहा है,
अब्यूज हो रही है, मारपीट हो रही है, उनको ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, और ऐसे लॉकडाउन के टाइम पे ज्यादा होती है, हमें पता है अब्यूज की केसेस बढ़ गए हैं, तो हमें क्या करनी चाहिए? चाइल्ड अब्यूज एक क्राइम है, सिर्फ हिंदुस्तान में एक क्राइम नहीं है, पूरी दुनिया में एक क्राइम है। बच्चे के साथ आप किसी भी तरह की जोर जबरी करें, उनकी पिटाई लगाएं, उनके साथ उनको खाना समय से ना दें, उनको भूखा रखें, और बच्चे के साथ अन्याय को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। पूरे देश में हम सब लोगों को इस बात को पूरी तरह से रिजेक्ट करना चाहिए कि बच्चे के साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है। अगर हो रहा है तो आप फिर निश्चित तौर पर वहां के चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को संपर्क करिए, वहां जो मैंने आपको एजेंसीज के नाम बताए, और 1098 पे सूचना दीजिए। बच्चे के साथ मारपीट, लोग उलझन में है इस समय, लोग आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, परिवार के अंदर किसी को पता नहीं चल रहा कोई क्या करे। हम खुद कोविड से रिकवर हुए तो हमें मालूम है, नो छोटी सी हमारी ग्रैंड डॉटर है 5 साल की, बच्चे बिल्कुल परेशान हो गए घर के अंदर, तो वो हो सकता है कि कभी कभी थोड़ा सा व्यवहार ऐसा उदंडता करें, कभी कुछ करें, पर ये तो बच्चों का हक है ना ये सब करने का। तो प्लीज अगर आपको पता चलता है और आप दिन रात किसी बच्चे का रोना पड़ोस में सुन रहे हैं, घंटी बजाइए, उनको बोल दीजिए कि देखिए गलत हो रहा, आप मत करिए ऐसे, और फिर आप पुलिस को सूचना दे दीजिए। आपको ये पूरा अधिकार है कि आप पुलिस को सूचना दें, आप चाइल्ड राइट्स एजेंसीज को सूचना दें, आप जो चाइल्ड राइट्स के एनजीओज और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है उनको इस तरह की सूचना दें, ताकि बच्चे को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके और माँ बाप की काउंसलिंग हो सके। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं माँ बाप इस समय बड़ी परेशानी में है, तो मैं ये सिर्फ नहीं कहना चाह रही हूँ कि कोई दुश्मनी है बच्चे से कि माँ बाप उनके साथ ज्यादती कर रहे हैं, पर प्लीज आप अपना अपनी फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, अपनी बीमारी के बाद बड़ी कमजोरी आ जा रही है, तो ये सब चीजों को आप बिल्कुल बच्चे पे मत निकालिए। बच्चा बिल्कुल नादान है, उसको पता भी नहीं कि सब क्या हो रहा है, और खुद भी अगर वो बीमार हो गया तब तो बिल्कुल ही उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब है। तो प्लीज प्लीज बी काइंड टू चिल्ड्रेन, प्लीज बी हेल्पफुल, एंड प्लीज डोंट अब्यूज चिल्ड्रेन, इट इज नॉट राइट, यू विल बी पनिश्ड फॉर अब्यूजिंग चिल्ड्रेन। और फाइनली हम ये फोन नंबर फिर से डालेंगे अपनी स्क्रीन पे, 1098-1098। दिस इज ए फोन नंबर दैट्स ऑपरेटिव अक्रॉस द कंट्री, आप पूरे देश में कहीं भी हो, यही एक नंबर है पूरे देश में चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज के। तो जैसे रंजना जी ने कहा, अगर आपके पास कोई ऐसा मैसेज आया कि ये बच्चा गोद ले लीजिए, या आपके पास आपके पड़ोस में ऐसा कोई बच्चा है जिनके दोनों माँ बाप अभी अस्पताल में है, जो अकेले हैं, जिन देखभाल करने वाले कोई नहीं है, तो इस नंबर पे फोन कीजिए। अगर आपको पता चला कि आपके नेबरहुड में ऐसा कोई बच्चा है जिनके साथ दुर्व्यवहार या अब्यूज और ऐसा कोई अन्याय हो रहा है, तो इस नंबर पे प्लीज फोन कीजिए। रंजना जी, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट इशू आपने उठाया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे शामिल किया। थैंक यू। थैंक यू।